वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन की बाकायदा शुरुआत कंदासीं अहम खबर से। पीपी अगवान शर्जील इनाम मेमण है तो मुल्क में कुछ शिरपसंद सियासी मानू अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहन था। बिल्कुल नाजरीन, आई एम एफ के खाते लिखण 9 मई का वो मामलो है। खाते जो मतलब है तो असा के जबरदस्ती मेंढर दिनों वे शर्जील इनाम में जोड़ो चवण है। चवण है तो आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहो। पीपल्स पार्टी कदें भी ये न पाकिस्तान की इमदाद बंद कई वे। 27 दिसंबर से मुल्क में बाह लगी रही हुई। पीपल्स पार्टी नारो हयो तो पाकिस्तान खपे असा की अवाम वो मेंढर दिनों है। हाँ अवाम जो कर्ज पीपल्स पार्टी की कुल्हे से है। शर्जील इनाम में जोड़ चवण है तो अपोजिशन वारा असा जा मुखालिफ जरूर आहिन पर दुश्मन नाहिन। असा सबनी के गड खणी हलन चाहू था। तफसील मालूम कंदासे कराची में आवाज न्यूज चीफ रिपोर्टर गाजी झंडीर असा सा लाइन ते मौजूद है। जी गाजी झंडीर, केड़ा तफसीलान वधिक छा चवणाए पीपल्स पार्टी अगवान शर्जील इनाम मेमण जो? जी बिल्कुल, शर्जील इनाम मेमण कुछ देर पहले मीडिया टॉक कर आए तो सब के इजलास खत्म करने का पो पार्टी अगवानन सा गद शर्जील इनाम मीडिया कारण से मीडिया सा गाल बोल दौरान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में तारीखी कामयाबी मिली है। अज अल्फ बर्दारी का पो पीपल्स पार्टी के तरफा कोशिश कई पी वे तो पार्टी की लीडरशिप के तरफा नामजद कल स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर जो उम्मीदवार हैं उनके बिना मुकाबले कामयाब कराया वे। अवेश कादिर शाह के स्पीकर ए नवीद एंथोनी के डिप्टी स्पीकर जो उम्मीदवार तौर एमकेएम के तरफा फार्म इम्कानी तौर से भरया वजन पाया। इन हवाले से अज तफसीली तौर से मीडिया से गाल बोल कर शर्जील इनाम मेमण पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत वेचन वाली सियासत के खिलाफ है। खास तौर से पीटीआई के तरफ इशारो कहते शर्जील इनाम मेमण के चवण हो तो एक पार्टी आईएमएफ के खत लिखो है तो जैसे इलेक्शंस वे मामले से दांधलिन की इंक्वायरी नी थे तो पाकिस्तान की जहा इमदाद या कर्ज है उनके रोको वे। इन हवाले से सख्त तनकीद जो निशानो बनाया है शर्जील इनाम मेमण पीटीआई की क्यादत के यो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क की सियासी तारीख में तमाम वही कुर्बानियों हैं। अगुरे सदर आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल कटो पर कदें भी पीपल्स पार्टी मुल्की मुफादन के खिलाफ कें बहरी कुत का कोई मुतालबो ना क्यों। अड़ी रीत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कतल वे मामले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबित कदम रही है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जड़ी लीडर के शहीद किया वो पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदें भी मुल्की मुफादन के खिलाफ कें बहरी ताकत तरफ ना दिठो। पर अज इमरान खान के 6 महीना भी ना गुजरिया जेल में है पर जेल में हू मुतालबा पो करे आईएमएफ का तो पाकिस्तान की जो कर्ज है इमदाद है उनके रोको वे। इन हवा से शर्जील इनाम मेमण तफसील से ऐसी उनवा अज जो कराची में जीडीए समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के तरफा एहतजाज हो उन शर्जील इनाम मेमण विदा कई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिद्ध के मानून वोट दे चूंडियो है। कल जीडीए से गड एमकेएम नून लीग भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इतिहादी हुई पर अज नून लीग एमकेएम जीडीए से गड ना जीडीए जो जो एहतजाज है वो बिना जवाब है बेसबब है आम मानून के परेशान करने का सवा जीडीए के एहतजाज में कुछ भी हासिल नी। जी ठीक है, वही मेहरबानी गाजी झंडीर तफसीर जला।